मैं हूं पवन वर्मा और आज मौसम है बहुत सुहावना, तो आज है बहुत अच्छा समय हमारे ये मिर्च, शिमला मिर्च लगाने का टाइम। तो आज हम लगाने जा रहे हैं शिमला मिर्च। इधर हमने किए हैं होल इतने और शायद ये पूरा स्पेस आज भर जाएगा। और इधर देखिए हमारे बैकयार्ड में क्या अच्छे से फ्लावर आए हुए हैं। और आज हम ये सारे पौधे लगाते हैं, चलो फिर लगाना शुरू करते हैं। एक तो मैंने लगा भी दिया है। चलिए जी, मैं निकालता हूँ तो इसको, एक्चुअली हमें अलग अलग डालने चाहिए थे। मैंने जब सीड्स डाले तो एक साथ ही डाल दिए, बट कोई बात नहीं, धूप है नहीं तो आराम से ये जड़ पकड़ लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। इसमें कुछ करना नहीं है, ये होल ऑलरेडी बना दिए हैं मैंने, तो इसमें जस्ट रखो और थोड़ी सी मिर्च पौध लगाओ और उसके बाद इसको कवर अप करो और इसको सील करने के लिए हम बाद में इसमें पानी डालेंगे ताकि कोई एयर गैप ना रह जाए। ये हैं आज पेड़ पौधे और लग गए हैं हमारे, कितने पौधे लगे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 प्लांट्स। ये प्लांट लगाने के बाद अब हम इनमें डालेंगे पानी, वाटर। आफ्टर पोरिंग द वाटर और स्प्रेइंग द वाटर एंड ये पूरी द रूट विल गेट सील हो जाएंगी सॉयल के साथ, पकड़ लेगी जड़ अच्छे से और पौधा एकदम चल निकलेगा, क्योंकि नहीं तो होता क्या है कि ये अगर ये टाइट नहीं होगा तो एयर रहेगी तो जड़ जो है इसकी ड्राई हो जाएगी, इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं पानी जिससे कि जड़ मिट्टी पकड़ लेगी अच्छे से और नीचे रूट एयर टाइट हो जाएगी थोड़ी सी, तो सॉइल के साथ सील हो जाएगी, चिपक जाएगी, तो अपना पूरा फोटोसिंथेसिस और वह सब अच्छे से शुरू हो जाएगा और
plant will start growing. So